अब आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर। एक मिनट के लिए आप इसको एक बार रीड कर लो बेटा, एक सेकंड। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर जो है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सारा का सारा खेल ही आपका किसका है बेटा, विंड्स का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, जिनकी विंड्स के डायरेक्शन पे सब कुछ इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड इज अपर एयर सर्कुलेशन कॉज्ड बाय द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ग्लोबल वेदर एंड इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस। ठीक है, फिर आता है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली नोन एज डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड इन टू इंडिया क्रिएटिंग द वेदर कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल। अब इन तीनों पॉइंट्स को समझिए। सबसे पहले मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं आपको शायद शुरू से ये बात बता रही हूँ आपको कि दो फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तीन है, मैक्सिमम तो तीन है, एक आल्टीट्यूड, ठीक है, एक आपका एयर प्रेशर, एक आपकी बेटा आपके क्या डिपेंड करती है आपका विंड की जो डायरेक्शन है। ठीक है, आपने कभी कभार देखा होगा मॉनसून में तो बारिश होती ही है, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है बेटा कि जो डायरेक्शन होती है विंड की, वो सर्दियों में कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है। होता है ना, सर्दियों में एक टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम पर काफी विंटर्स में आपकी एकदम ठंड के टाइम पे बारिश होना शुरू होती है। ठीक है, तो आपने ये टर्म सुनी होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो किसकी वजह से हो रही है बेटा, आपकी स्पीड ऑफ विंड्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पर डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है वहां पर अपनी जो है वो चेंज करती रहती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेटा आपको क्या कहेंगे हम उसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली नोन एज डिस्टर्बेंस ड्यू टू द विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो सीजन है विंटर सीजन में जो बारिश होती है, ठीक है, या फिर उसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड इन द इंडिया, ठीक है, क्रिएटिंग वेदर कंडीशंस फेवरेबल टू रेनफॉल। ठीक है, आगे समझते हैं इसी के अंदर, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। ठीक है, हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस डेवलप्ड। दर्श बेटा म्यूट कर लो, ठीक है, देखो बेटा इसको समझने के लिए ना मैंने आपको इसके लिए वीडियो भी रखी हुई है लास्ट में, अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर उससे ज्यादा जल्दी समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। देखो बेटा हमारे पास ना डिफरेंस इन एयर प्रेशर होता है, ठीक है, जहां पर डिफरेंस इन एयर प्रेशर होगा वहां उसी डायरेक्शन में आपकी जो हवाएं वो चलती है, ठीक है, जो आपकी विंड्स है उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, अगर बाय चांस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि एयर प्रेशर जो है यहां से कम होकर इधर हो जाए, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वहीं से आपकी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस, जबकि नॉर्मल जो विंड्स हैं उसकी डायरेक्शन में चेंज होना, जिस वजह से आपके रेनफॉल जो है आगे फेवरेबल होती है। ठीक है, हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस डेवलप्स ड्यूरिंग द विंटर। दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज। ठीक है, द सर्फेस विंड्स ब्लोइंग आउट द हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। ठीक है, दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रेड विंड्स ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात, ये जो सर्दियों के टाइम पे जो हवाएं चलती हैं उन विंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्टिनेंटल विंड्स, जो ड्राई होती है काफी ज्यादा, मतलब आप लोग देखते हो गए सर्दियों में जो वो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो उनको हम कॉन्टिनेंटल विंड कहते हैं। इतना ज्यादा इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताई हुई है चीजें, थोड़ा बट आपको जो मेन है वो सारी चीजें समझते जानी है। ठीक है,